में नौजवान लड़के और लड़कियों का इकट्ठे बैठकर अल्लाह का पाक कलाम पढ़ना भी नाजायज और हराम। तुम्हारी तालीम गई भाड़ में, समझते हैं? जो शख्स अपनी जवान बेटी को मखलूत माहौल में तालीम के लिए भेजता है, परले दर्जे का बेगैरत और बेहया है। हैरत होती है उन लोगों पर, उनकी जुरत पर जो अपने बेटियों को हॉस्टलों में भेजते हैं, कई कई महीने वहां रहते हैं। क़यामत में जवाब देना पड़ेगा। ये अमानत है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं जिनका जहूर तुम्हारे घरों में हुआ है, कल क़यामत में क्या मुंह दिखाओगे? हज का सफर अजीम तरीन सफर है, पाकिजगी से शुरू होकर पाकिजगी पे खत्म होता है। इतना अजीम सफर है कि जब कोई शख्स हज कर लेता है तो हदीस पाक में कि वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही मां के पेट से जन्म लिया। ऐसे ही है, अल्लाह पाक इतने खुश होते हैं हज करने वाले से कि जब वो वापस आ रहा होता है तो सरकार ने दरख्वास्त की, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल हाज, ऐ अल्लाह हाजी की बख्शिश फरमा। और अगली दरख्वास्त की, वली मन इस्तग़फर लहुल हाज, या अल्लाह हाजी जिस जिसके लिए दुआ करता जाए उन सब की बख्शिश फरमा। ठीक है, हुआ क्या हुआ? यह कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारी अहलिया, कि जी वो हज के लिए गए, हज के लिए गई, यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, ऐसी तालीम के लिए नहीं गई थी जहां तालीम के नाम पर बेहयाई सिखाई जाती, कहां गई थी? अल्लाह के घर में गई थी जहां एक नमाज के पढ़ने पर 1,00,000 नमाजों का सवाब, एक एक कदम पे लाखों नेकियां मिलती हैं, एक रुपए के खर्च करने पर लाखों रुपए खर्च करने के बराबर से। ऐसे ही है, ऐसी जगह गई थी कि आदमी को जब जैसे ही शऊर मयसर होता है तब से मौत तक वहां जाने की तमन्ना करता और बार बार करता, जहां पाकिजगी से बात शुरू होकर पाकिजगी पे खत्म हो। सरकार ने फरमाया कि तुम्हारी अहलिया हज पे है, उनके साथ कौन है? साथ तो कहीं फरमाया नहीं, तुम्हें जिहाद जैसे अजीम फरीजे में शामिल रहने की इजाजत नहीं, यहां से जाओ और अपनी अहली के साथ हज के सफर में शरीक हो जाओ। इसलिए कि हज के सफर में भी, इतने पाकीज़ा सफर में भी खातून को तनहा जाने की इजाजत नहीं। क्यों नहीं है यह आप मुझे बताएं, क्यों नहीं? हमारी कितनी पाकीज़ा नजरें हैं इसलिए नहीं है। समझ रहे हैं आप? या कुछ और अर्ज करूं? इसलिए दिल पाक होना चाहिए। जो शख्स ये कहता है सबसे बड़ा झूठा वो शख्स है, सबसे गंदा दिल उस शख्स का है जो दिल पाक होना चाहिए कहकर बेपर्दगी इख्तियार करता है। हकीकत वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, बाकी सब फ्रॉड है। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको दीन को समझने, इसकी अजमत को पेश नजर रखने और इखलास के साथ उस पर अमल की